ऐसा दिल टूटा है, मतलब कुछ बचा ही नहीं देखा बट हाँ लोग मतलब दिल टूटने के बाद दारू का सहारा सहारा लेते हैं। आप ऐसे मैं नहीं हूँ, ये बड़ा स्ट्रांग वुमन हूँ, आंसू का तो ये मेरे तो आंसू ही मैं खुद पी रही हूँ। आप कितना रोते हो? पहली बार मेरी जिंदगी का सबसे महंगा सॉन्ग हो रहा है ये, 70-80 लाख का सॉन्ग आ रहा है। थैंक यू सर, थैंक यू के लिए ना। हाँ, हाँ, आदिल को ही करना है, आदिल को ही लेना है, उसको हीरो बनाना है और अच्छे से हमने करना है सॉन्ग को। तो मैंने राखी जी का मैं चलो ठीक है, क्योंकि मेरे के लिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है ना देखो देना चालू देना। मैं अगर राखी जी आप बोला तो आपके लिए भी करते हैं फिर, लेकिन अब उस सॉन्ग के बाद जो दर्द राखी जी का देखा तो मेरे को देखा नहीं गया। तो मैंने कहा एक सॉन्ग इनका जो अंदर की जो भड़ास है वो निकल जाए और ये फिर दोबारा से अच्छे से इंडस्ट्री में अच्छे से काम करने लगे। आज देखा थोड़ा कूल लग रही है मेरे को लग रहा है थोड़ा सा, नहीं तो इनका हमेशा बहुत ज़्यादा शक्ल भी इनकी थोड़ी थैंक यू राखी जी। थैंक यू सर, जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं सर, डेफिनेटली मेरी जिंदगी में खुशियाँ खुशियाँ थी और सडनली एक ऐसा मौका आया कि मेरी मॉम भी चली गई एंड मेरी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मतलब भूकंप आ गया। अब इससे ज़्यादा क्या भूकंप के झटके हो सकते हैं लाइफ में। तो मेरी रियल लाइफ हमारे साजिद भाई भी है यहाँ पर जो पूरा प्रोडक्शन से लेके पूरा सब कुछ बहुत अच्छा सब कुछ हैंडल कर रहे हैं। दो दिन की बढ़िया जो शूट है, इतना अच्छा ट्रीटमेंट दिया गया है इस सॉन्ग को थैंक्स टू माई मुदस्सर ब्रदर, जो सलमान जी भाई के सिवा काम ही नहीं करते। तो ऐसा दिल टूटा है मतलब कुछ बचा ही नहीं देखा बट हाँ लोग मतलब दिल टूटने के बाद दारू का सहारा सहारा लेते हैं। मैं नहीं हूँ, ये बड़ा स्ट्रांग वुमन हूँ, आंसू का तो ये मेरे तो आंसू ही मैं खुद पी रही हूँ। कितना रोते हो? बहुत रोती हूँ। मुझे सर आपने कहा है कि सलमान सर के साथ भी अभी आप प्रोजेक्ट करने वाले, तो कहीं ना कहीं जिक्र करोगे आप किस तरीके का प्रोजेक्ट होगा वो कुछ बताना चाहिए? मैं तो उनकी जो जो चीज़ें जैसे फिल्म सॉन्ग भी करते हैं, एड फिल्म में भी वो परफॉर्म करते हैं, शो में भी वो अवार्ड फंक्शंस में भी करते हैं, तो मैं हर चीज़ में जहाँ जहाँ है वहाँ वहाँ मैं मौका मिलता है वो मुझे फ़ोन करते हैं, अरे सुन ये करना है, अरे सुन वो करना है। तो वेर एवर ही ऑब्वियसली वो एक हमारा एक रिलेशन फैमिली की तरह बन गया, बिकॉज इट्स ऑलवेज ऑलमोस्ट लाइक 14 years नाउ। सो अभी वो एक अलग बन गया है, चीज़ बन गई है, तो इट्स अ डिफरेंट ऑल टुगेदर लाइक अ फैमिली, लाइक अ बॉस, लाइक अ यू कैन से बिग ब्रदर, लॉट ऑफ रिस्पेक्ट। एंड तो वो कभी ऐसा भी होता है कि कभी कोई और भी गाने करते हैं उनके, कभी और भी कोई वो मुझे बोलते भी है सुनना ये गाना मैं उनके साथ कर रहा हूँ तो इसमें क्या कैसा, तो वो भी है, ही टेल्स मी ऑल्सो समटाइम्स के भाई ये गाना मैं उनको दे रहा हूँ उनके साथ कर रहा हूँ, बहुत अच्छा किया गाना ये, देख मैंने ये गाना उसके साथ किया इतना अच्छा लगा। सो इट्स नॉट लाइक अ प्रोफेशनल थिंग एनी मोर, लाइक इट्स लाइक सलमान आप बताइए, आप हमारे हीरो हैं, हीरो हैं हम खाने के, क्या एक्सपीरियंस आपका कैसा रह रहा है अभी तक के? हाँ अभी तक का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है एक्चुअली ना, मैंने एक सॉन्ग पहले भी किया था राखी के साथ, अगर आप लोगों को ध्यान हो तो लॉकडाउन लग जाए तो उस टाइम पर फर्स्ट टाइम जब मैं मिला था राखी से तो मेरे दिमाग में बहुत कुछ ऐसा था कि मैं भी थोड़ा इंडस्ट्री में नया नया आया हूँ, पता नहीं राखी मुझे कहीं डांट ना दे अगर मैंने कुछ गलत किया, बट शी इज़ सो काइंड एंड शी इज़ सो प्रीटी गर्ल, और उसने मुझे कभी भी मतलब ऐसा फील होने नहीं दिया कि राखी बहुत टाइम से काम करी एक्सपीरियंस्ड है, और हम लोगों का वो फर्स्ट एक्सपीरियंस बहुत अच्छा लगा। तो आज जब मैं फिर से आया सेट पे तो मैं एक्साइटेड था कि हाँ राखी है सेट पे तो फिर मज़ा आने वाला है। सेकंड ना मैंने मुदस्सर भाई का सुना, उन्हें मैं काफ़ी टाइम से देखता हुआ आ रहा हूँ बहुत दूर दूर से, फाइनली आज उनके साथ मैं काम भी कर रहा हूँ, अच्छी टीम है, और ज़्यादा खुशी हो रही है। अभय बंसल जी बहुत बहुत शुक्रिया आप मिलवा चांस दिया कि हम लोग एक साथ काम कर रहे हैं, शाइना जी, साजिद भाई, इन लोगों ने मुझे सही वक्त पे याद किया। अभी मैं पूरी पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आज जो मैं शूट पर हूँ हम लोग बहुत अच्छे से करें ताकि आप लोगों के मुँह से थोड़ी सी तारीफ सुनने को मिले, आप लोग भी कहेंगे हाँ सलमान इलिया काम कर रहा है बेटा तू। मुझे रात को ही पता चला कि एक ही दिन में डिसाइड हुआ सॉन्ग के लिए, हमने मतलब यू नो व्हाट के रात को ही पता चला सलमान है गाने में, तो आई वाज सो हैप्पी, मैंने कहा वाह ही इज अ वेरी गुड डांसर, गुड एक्टर। रात को 1 बजे पता चला राखी जी मैसूर आप आदिल के साथ जो भी ट्रायल हुआ, नो कमेंट्स, नो कमेंट्स, ये भी सीन्स इसमें रहेंगे क्या गाने में आपके रहेंगे क्या? वो सीन्स रहेंगे क्या मैसूर से रिलेटेड? मेरी ही स्टोरी इस गाने में है पूरा, सब कुछ वो आपको दिखेगी। हाँ थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू।